वाकियात बुत शिकन सुल्तान महमूद गजनवी किस्त नंबर 78। अपना इस्लामिक स्टूडियो नाजरीन हिंदू जासूस ने दोनों महाराजों को बताया कि जब सुल्तान महमूद कनौज शहर में काबिज हो गया तो उसने खजाना खुलवाया मगर वो खाली था। उसके बाद राजमहल की तलाशी ली गई, वहां से भी उन्हें कुछ ना मिला। किले में फौज भी पूरी नहीं थी। महाराजा गंडा ने कहा कि उसका मतलब ये है कि राजियापाल दुश्मन को देखे बिना पहले ही गायब हो गया था और वो फौज को भी साथ ले गया था। राजा अर्जुन ने गजबनाक लहजे में कहा कि क्या हिंदू जाति उसका यह गुनाह माफ कर देगी? क्या वो मालूम नहीं हो सका कि वो कहां गया है? उस आदमी ने जवाब दिया कि नहीं मालूम हो सका कि वो कहां गया है। और दूसरी खबर यह है कि सुल्तान महमूद गजनी वापिस चला गया है, कुछ फौज साथ ले गया है और कुछ कनौज में ही छोड़ गया है। राजा अर्जुन ने पूछा, क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि राजियापाल ने सुल्तान के साथ कोई खुफिया मुआहिदा कर लिया हो और सुल्तान को खुश करने के लिए वो फौज जो अपने साथ ले गया है जरूरत के वक्त सुल्तान को दे? महाराजा गंडा ने कहा कि हमें सोच समझकर कदम उठाना होगा। राजियापाल को हम सारे हिंदुस्तान की इज्जत का रखवाला समझते थे मगर वो बुजदिल निकला। मित्रा, महाबन, मंज, बुलंद शहर की फौजें खत्म हो चुकी हैं। लाहौर के राजा भीम पाल पर भी नजर उठती है मगर वो सुल्तान का बाज गुजार है, वो हमारा साथ नहीं देगा। नाजरीन, राजा अर्जुन ने कहा, मगर हम यहाँ बैठकर तमाशा तो नहीं देख सकते हैं। अपने देश और अपने मजहब की खातिर हमें सब कुछ दाव पर लगाना होगा। मुसलमानों को हम इतनी आसानी से हिंदुस्तान की हुक्मरानी नहीं लेने देंगे। मुसलमानों की हुक्मरानी का मतलब ये होगा कि सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि हमारे मजहब को भी खत्म कर दिया जाए। नाजरीन, मौरखीन ने जिनमें गर्देजी, इब्नुल असीर, स्मिथ और फरिश्ता काबिले जिक्र हैं, उन्होंने लिखा है कि काल नजर और गवालियार के राजों ने सुल्तान के खिलाफ मुत्तहिदा महाज बना लिया और उनके दरमियान तय पाया कि पहले मालूम किया जाए कि राजियापाल कहाँ हैं और राजा भीमपाल के पास एक एलची भेजा जाए कि वो सुल्तान के खिलाफ फैसला कुन जंग के लिए तैयार हो जाए। सुल्तान महमूद खुद गजनी चला गया और उसने कनौज में अपना एक सालार, अपना नाइब बनाकर तायुनात कर दिया। नाज़रीन, सालार का नाम अबुल कदर था। गजनी की तारीख में दो सालारों को ज्यादा शोहरत मिली, एक अबू अब्दुल्ला बिन मोहम्मद अल्ताई और दूसरा अरसलान जाजिब। अबुल कदर का नाम बहुत कम आया है लेकिन कनौज में उसने ऐसे दिफाई इंतजाम किए और इंतजामिया का ऐसा ढांचा बनाया कि कनौज को उसने महफूज कर दिया था। नाजरीन, राजा कनौज का सुराग लगाना मुमकिन नहीं था। उसे पंडित ने अजदहे से डराया था और उस पर इसलिए भी खामोशी तारी हो गई थी कि उसकी पसंदीदा रकासा को कुर्बानी के लिए मुंतखिब कर लिया गया था। नाजरीन, उसका बेटा लच्छनपाल उसके पास गार में जा बैठा और कहने लगा कि उसे बारी को अपनी राजधानी यानी दारुल हुकूमत बनाने की इजाजत दी जाए। वहां वो तैयारी करके सुल्तान को कनौज से निकाल बाहर करेगा और शिकस्त का इंतकाम भी लेगा। उसने ये भी कहा कि वो लाहौर, कालनजर और ग्वालियर के राजों को भी अपने साथ मिला लेगा। नाजरीन, राजियापाल ने कहा, क्या तुम समझते हो कि सुल्तान तुम्हें नई राजधानी आबाद करने देगा? उसके जासूस दूर दूर तक फैले हुए हैं। उसे जो ही पता चलेगा कि हम बारी में उसके खिलाफ तैयारी कर रहे हैं वो हम पर टूट पड़े। लच्छनपाल ने कहा, तो क्या हम जंगलों में छुपते फिरे? राजियापाल ने कहा कि मैंने एक महफूज तरीका सोचा है, मैं कनौज में सुल्तान के पास चला जाता हूँ और उसे उस पर राजी कर लूंगा कि वो तावान ले ले और मैं उसका बाजगुजार भी रहूंगा और मुझे बारी की राजधानी और फौज तैयार करने की इजाजत दे दे। मैं उसके साथ मुआहिदा करूंगा कि उसके खिलाफ कभी नहीं लड़ूंगा और बवक्ते जरूरत फौज भी दूंगा। लच्छन ने कहा कि नहीं, आपका जाना ठीक नहीं है। आप इस पहलू पर गौर करें कि सुल्तान आपसे आपका खजाना मांगेगा, आप नहीं देंगे तो वो आपको कत्ल कर देगा। अगर ऐसा ना हुआ तो भी मैं आपको जाने नहीं दूंगा क्योंकि हम में से किसी को आप पर भरोसा नहीं है। आपके दिमाग पर गजनी का सुल्तान इतना ज्यादा सवार हो गया है कि आप अपने मजहब से भी मुनहरिफ हो गए हैं। नाजरीन, महाराजा ने पूछा, तो क्या मैं तुम सबका कैदी बन गया हूँ? लच्छन ने कहा कि पंडित
जी महाराज कहते हैं कि आप पर किसी शैतान का साया पड़ गया है। ये साया तरन की यानी रक्कासा की कुर्बानी करने से हट जाएगा, क्योंकि देवता जब किसी पर कहर बरसाने पर आते हैं तो उसे सबसे पहले मजहब से गुमराह करते हैं। राजिया पाल ने तंजिया कहा, मजहब मजहब मजहब, मैं अपने इस मजहब से तंग आ गया हूँ, मैं किसी का कैदी नहीं। तुम जाओ बारी को राजधानी बनाओ, मुझे तुम्हारी हिफाजत के लिए जो बेहतर लगेगा वो मैं करूँगा। पंडित ने अब अपना खेमा बाकी खेमों से दूर और अलग नसब करवा लिया था। महाराजा की तरह पंडित का खेमा भी तीन खेमों पर मुश्तमिल था। एक को उसने इबादतगाह बना रखा था, पंडित के खेमे में कोई नहीं जा सकता था। नाजरीन, पंडित ने जब रक्कासा निंदिया को अपने खेमे में बुलाया तो वो हैरान हुई कि पंडित ने उसे क्यों बुलाया है। पंडित तो किसी रक्कासा से बात तक नहीं करता था और ना पसंद करता था। नाजरीन, निंदिया उसके खेमे में चली गई। पंडित ने निंदिया को देखकर कहा कि निंदिया, तुम पाप की चलती फिरती मूर्ति हो, तुम मर जाओगी तो तुम लोमड़ी या गीदड़ की शक्ल में दूसरा जन्म लोगी। तुम्हारा वो जन्म दुखों से भरा हुआ होगा, तुम्हारी रूह भटकती और रोती रहेगी। तुम पहले जन्म को याद करके बहुत अजियत में रहोगी, मगर हर हर महादेव ना जाने तुम पर क्यों मेहरबान हो गए हैं। उन्होंने तुम्हें अपनी पत्नी बनाने की ख्वाहिश जाहिर की। देवता की ख्वाहिश हुक्म होता है। निंदिया, तुम इस जीवन को छोड़ना नहीं चाहोगी, लेकिन तुम खुश हो जाओ कि तुम आकाश की रानी बनोगी। नाजरीन, निंदिया ने पंडित से पूछा कि वो किस तरह महाराज। पंडित ने कहा कि हम तुम्हें देवता के कदमों में कुर्बान कर रहे हैं। चांद की बारहवीं रात देवता तुम्हें लेने आएंगे। तुम्हारा खून इस जमीन पर बह जाएगा, क्योंकि तुम्हारा खून पाक नहीं है। निंदिया ने घबरा कर कहा, मैं समझ गई महाराज, आप मेरी गर्दन काट देंगे। नहीं महाराज, मैं ये मौत मरना नहीं चाहती। पंडित ने कहा, तुम्हें मरना होगा निंदिया, अपने मजहब और अपने महाराज की खातिर तुम्हें कुर्बान होना पड़ेगा। नौजवान रक्कासा ने भाग जाने के लिए इधर उधर देखा। पंडित ने उसे तसल्ली दी और कहा, तुम देवताओं की ख्वाहिश को ठुकराओगी तो तुम्हारा ये हसीन चेहरा झुर्रियों से भर जाएगा, आंखें सफेद हो जाएंगी, कमर झुक जाएगी, तुम महाराजा के काबिल नहीं रहोगी। वो तुम्हें जंगल में छोड़ आएंगे, देवता आ गए हैं, आओ तुम्हें दिखाऊं। नाजरीन, फिर पंडित निंदिया को दूसरे खेमे में ले गया। वहां पंडित ने एक जगह खुश घास डाल रखी थी। घास हटाई तो एक गहरा गड़ा नजर आया। पंडित ने निंदिया को आगे करके गड़ा दिखाया तो वहां एक बहुत बड़ा अजदहा कुंडली मारे बैठा हुआ था, उस पर रस्सा लिपटा हुआ। नाजरीन, निंदिया की अजदहे को देखकर दबी दबी चीख निकल गई। पंडित ने कहा कि ये है हमारे देवता जो आज हमारे मेहमान बने हुए हैं। निंदिया ने कांपती हुई आवाज में कहा कि क्या आप मुझे इस घड़े में फेंक देंगे। मगर पंडित ने एक फूल निंदिया की नाक पर लगा दिया और कहा कि इसको सूंघो, ये महादेव का तोहफा है। नाजरीन, निंदिया ने फूल सूंघा तो उस पर गुनूदगी तारी होने लगी, जरा सी देर में डोलने लगी। पंडित ने उसे थाम लिया और दूसरे खेमे में ले जाकर लिटा दिया। फिर पंडित ने दूसरे खेमे में जाकर अजदे वाले घड़े के ऊपर घास डालकर उसे छुपा दिया। दो तीन रातें गुजर गईं। रात के अंधेरे में कोई आदमी साया बनकर दबे पांव खेमों के साथ साथ चलता और रुकता गया। नाजरीन, एक रात वो पंडित के खेमे के पास जा खड़ा हुआ और कान लगाकर बातें सुनने लगा। वो खेमे के साथ रींगता रहा और रींगता हुआ दूर चला गया। नाजरीन, अगली रात वो महाराज के खेमों के करीब चला गया। उसे ललकार सुनाई दी कि कौन है, ये साया वहीं से गायब हो गया। एक तीर सनसनाता हुआ आया और उसके करीब जमीन में जा लगा। वो चौपायों की तरह झाड़ियों में घुस गया, जहां से गीदड़ की आवाज सुनाई दी। नाजरीन, मुहाफिजों ने कहा कि गीदड़ है, इसलिए उन्होंने तलाश करने का इरादा तर्क कर दिया। नाजरीन, चंद रोज बाद राजिया पाल ने अपने खास दो आदमी जो आला ओहदों पर थे उन्हें बुलाया, जिन्होंने कहा था कि वो हर हाल में महाराजा का साथ देंगे। अब भी उन्होंने कहा कि वो आपके हर फैसले का एहतराम करते हुए कबूल करेंगे। नाजरीन, राजा ने उन्हें कहा कि वो कनूत जाकर सुल्तान महमूद की इताअत करना चाहता है, क्योंकि इसके बगैर वो अपना मुस्तकबिल नहीं बना सकता है और सुल्तान का बाजगुजार बनकर बारी को आबाद करना चाहता है। लेकिन पंडित और उसकी रानी और उसका बेटा उसके इस फैसले
फैसले के खिलाफ हैं। नाजरीन, महाराजा ने अपना शहाना लिबास उतार कर मामूली कपड़े पहन लिए, उसके दोनों साथियों ने भी मामूली लिबास पहन लिए। जब राजा जाने की तैयारी कर रहा था तो उसी वक्त पंडित भी खेमे में दाखिल होना चाहता था कि राजा का भेष बदलना देखकर वहीं रुक गया और वापस चला गया। राजा के जहन में ये था कि उसे किसी ने नहीं देखा, लिहाजा वो खेमे के एक साइड से पर्दा हटाकर अपने दोनों साथियों समेत बाहर निकल गया और वो तीनों घोड़ों पर सवार होकर कनूज की जानिब गामजन हो गए। नाजरीन, कनूज की तरफ जाने के लिए जंगल में से एक ही रास्ता था जो चट्टानों के दरमियान में से गुजरता था। वहां घने पौधे, झाड़ियां और दरख्ते, तीनों सवार एक चट्टान की ओट में जाकर खेमा गांव से ओझल हो गए और इत्मीनान से चलने लगे। वो जब दोनों चट्टानों के दरमियान से गुजर रहे थे तो राजा का जो घोड़ा आगे था रुक गया और आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगा, उसका जिस्म कांपने लगा। नाजरीन, महाराजा के एक साथी ने कहा कि घोड़े ने सांप देख लिया है। इतने में बाकी दोनों के घोड़े भी खौफ से कांपने लगे। नाजरीन, घोड़ा अगर सांप को देख ले तो बेलगाम होकर भागने लगता है या एक जगह रुककर कांपने लगता है। झाड़ियों में से एक भारी और गूंजदार आवाज आई, जहां से आए हो वापिस चले जाओ, जहां जा रहे हो वहां जिल्लत की मौत है, वापिस चले जाओ। नाजरीन, एक ने कहा, ये तो किसी इंसान की आवाज है। अचानक एक पौधे की ओर से अजदहे का सर नजर आया। अजदहा आहिस्ता आहिस्ता बाहर आ रहा था। तीनों घोड़े बिदके और पीछे को भाग उठने की बजाय दाएं बाएं होकर सर पर दौड़ पड़े और बिखर गए। घोड़े बेलगाम हो गए थे, तीनों घुड़सवार माहिर थे, उन्होंने घोड़ों को थकने तक दौड़ने दिया। नाजरीन, उनके चले जाने के बाद अजदहा एक और झाड़ी की ओट में चला गया। एक घड़े में जिस पर हरी भरी झाड़ियां थी, पंडित ने सर निकाला, इधर उधर देखकर ऊपर आ खड़ा हो गया। पंडित ने अपने माथे पर हाथ मारा, जैसे उसे तीनों के बच निकल जाने का अफसोस हो रहा हो। वो वहीं खड़ा हो गया। कहीं से एक आदमी पंडित के सामने आ गया। नाजरीन, पंडित उसे पहचानता था, ये एक बूढ़ा मुहाफिज था। उसने तलवार निकाल कर पंडित से कहा कि निंदिया कहाँ है। पंडित ने उसे डांटते हुए कहा कि तुम यहाँ क्या लेने आए हो, चले जाओ यहाँ से, वरना महाराज से कहकर कत्ल करवा दूंगा। नाजरीन, मुहाफिज ने कहा कि तुम्हारी और तुम्हारे महाराज की जाने अब हमारे कब्जे में है। मैं पूछता हूँ कि तुमने निंदिया को कहाँ छुपा रखा है, मैं उसकी कुर्बानी नहीं होने दूंगा। नाजरीन, पंडित ने कहा कि तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा सकोगे। पंडित मुहाफिज को देवताओं के कहर से डराने लगा। करीब की एक घनी झाड़ी थी, पंडित के पीछे ही थी। अजदा उसी झाड़ी के पीछे गया था। अजदहे ने जब इंसानी आवाज सुनी तो उसी अजदहे ने झाड़ी से सर बाहर निकाला और आहिस्ता आहिस्ता बाहर आने लगा। नाजरीन, पंडित की पीठ ऐन अजदहे की तरफ थी और पंडित भी अजदहे से बेखबर था। नाजरीन, पंडित के जहन के मुताबिक अजदहा अब उसका पालतू था। कहते हैं ना कि सपादे पुत्र मित्र नहीं बंदे, पावे लप्पा दूध पिलाइए। मुहाफिज ने अजदहे को झाड़ी के पीछे से बाहर निकलते हुए देख लिया, मगर उसने पंडित को खबरदार ना किया, बल्कि उसने पंडित को मजीद बातों में उलझा लिया और उससे सवाल जवाब करने लगा और देखता रहा। नाजरीन, जब पंडित अजदहे की रेंज में आ गया तो अजदहे ने झपट कर पंडित की रान मुंह में ले ली। नाजरीन, पंडित ने चीख मारी। अजदहे ने पंडित को उठाकर जमीन पर पटक दिया। अजदहा मगरमच्छ की तरह शिकार को चबाता नहीं बल्कि जिंदा सालिम निकलता है और उसमें बहुत वक्त लगता है। नाजरीन, पंडित ने चीख चीख कर मुहाफिज से कहा कि अपनी तलवार से इसे काट दो। मुहाफिज ने कहा कि पंडित महाराज जी, ये तो तुम्हारा देवता है। मौजूद नाजरीन, ये इंटरेस्टिंग वीडियो जारी है। अगली वीडियो किस नंबर 79 में देखना मत भूलिएगा।